नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564503096906089745385 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, एनवायरनमेंट के कंपाइलेशन का क्रम हमारा लगातार चल रहा था और इसी क्रम में ये अगला वीडियो यहाँ प्रस्तुत है। इसमें हम वन लाइनर जो एनवायरनमेंट के फैक्ट थे उन्हें देख रहे थे और यहाँ हम शुरू करते हैं आगे। देखिए, घटती उत्पादकता के क्रम में अगर हम पारितंत्र को सही तरीके से बैठाएं तो इसमें मैंग्रोव पहले नंबर पर आते हैं, मतलब उत्पादकता इनकी सर्वाधिक होती है। यहाँ घटते क्रम से तात्पर्य यह है कि सबसे पहले जो ज्यादा वाला है उसको रखेंगे, तो मैंग्रोव की उत्पादकता सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर घास के मैदान है, तीसरे नंबर पर झील होती है और समुद्र होते हैं। झील और समुद्र की उत्पादकता इनकी तुलना में सबसे कम होती है। हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते हैं क्योंकि दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन से ज्यादा होती है, ये इसके पीछे मेन रीजन। और देखिए, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सर्वोच्च स्तर के उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। इसमें जो सर्वोच्च उपभोक्ता हैं वो कैसे होते हैं, नॉन वेजिटेरियन होते हैं, यानी मांसाहारी। चतुर्थ पोषण स्तर का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण सदस्य है, अगर हम पोषण स्तरों की बात करें तो जो चौथे नंबर का पोषण स्तर है वहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण सदस्य है वो मनुष्य ही होता है। जीवमंडल को सबसे बड़ा जैव तंत्र माना जाता है, यानी बायोलॉजिकल सिस्टम माना जाता है। जीवमंडल एक खुले तंत्र का उदाहरण है क्योंकि इसमें ऊर्जा का सतत निवेश या आगमन तथा पदार्थों का सतत बहिर्गमन होता रहता है। और भूपटल यानी क्रस्ट और मंडल का सबसे ऊपरी भाग, मंडल यानी मेंटल से तात्पर्य है, तो मेंटल का सबसे ऊपरी भाग दोनों मिलाकर स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर का निर्माण करते हैं। पूरी क्रस्ट और मेंटल का जो अपर पार्ट है उसको मिला दिया जाए तो यहाँ पर लिथोस्फीयर का निर्माण होता है। और कोर जो है ये पृथ्वी का सबसे इनर पार्ट होता है। अगर हम अपनी अर्थ को मोटे तौर पर तीन हिस्सों में डिवाइड करें, वो इनर आउटर वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको एक तरफ कर दें क्योंकि वो थोड़ा डीपली समझने के लिए, मोटे तौर पर देखा जाए तो क्रस्ट है, उसके बाद मेंटल है, फिर कोर। तो कोर जो है ये पृथ्वी का सबसे अंदर का हिस्सा होता है और इसे बोरिस्फीयर कहा जाता है। इसका कुछ पार्ट जो है वो पिघली हुई अवस्था में होता है और कुछ पार्ट जो है वो ठोस होता है। अब भूपटल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ साथ प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस की तौर पे तापमान में वृद्धि होती है और एकदम जो कोर का तापमान है वो बहुत ज़्यादा होता है। आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले यही चट्टानें बनी थी, इसीलिए शुरुआती चट्टानें, इसलिए इन्हें आग्नेय चट्टान को यहाँ प्राइमरी रॉक के तौर पर देखा जाता है। अब ये जो आग्नेय चट्टानें हैं इन्हीं का जब रूपांतरण होता है, मतलब इनका स्वरूप परिवर्तित हो जाता है, तो रूपांतरित यानी जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है वो बनती, और इन्हीं की जो अवसाद है मतलब इनका अपरदन होता है, अपक्षय होता है मौसम की जलवायु की गतिविधियों की वजह से, तो इनसे जो अवसाद इकट्ठे होते हैं और तमाम जो अन्य भौगोलिक क्रियाएँ हैं उससे, तो इससे परतदार चट्टानों का निर्माण होता है। तो अवसादी और रूपांतरित ये कहीं ना कहीं आग्नेय से ही निर्मित हुए हैं। शुरुआती हिस्सा आग्नेय चट्टानों का ही था, मतलब सबसे पहले यही बने थे। धरातल का 75% भाग अवसादी चट्टानों से घिरा हुआ है यानी ढका हुआ है और शेष 25% हिस्सा जो है वो आग्नेय और रूपांतरित से आवृत यानी ढका हुआ है। भूपटल के निर्माण में 95% योगदान आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों का है, 95%। अवसादी चट्टानों का भूपटल के निर्माण में, भूपटल यानी जो पृथ्वी का पटल है उसकी बात हो रही है, तो 5% का ही मात्र योगदान अवसादी चट्टानों का है। पृथ्वी का औसत तापमान 14 डिग्री सेल्सियस है और वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है, जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी और उसके साथ साथ वर्षा की मात्रा ज़्यादा होगी, तापमान और वर्षा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर अपने आप ही आर्द्रता की मात्रा ज़्यादा होगी, तो जलवाष्प आर्द्रता को ही दर्शाती, ध्रुवों पर ऐसी मात्रा नहीं पाई जाती। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान कम होता है, तापमान में ये गिरावट जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 किलोमीटर के हिसाब से देखी जाती है, यानी हर 165 किलोमीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता जाता है। लेकिन जब हम समताप मंडल में पहुंचते हैं तो वहाँ ओजोन परत की उपस्थिति के कारण तापमान एक बार फिर से बढ़ने लगता है। इसे सामान्य ह्रास दर कहा जाता है, यानी नॉर्मल जो लास रेट है उसके हिसाब से इसे देखा जाता है। अब इसके बाद आप देखिए, समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोन मंडल भी इसको कहा जाता है क्योंकि 20 से लेकर 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक ओजोन परत सघनता से पाई जाती है। नेक्स्ट, पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगे आयन मंडल से परावर्तित होती हैं और वापस पृथ्वी पर लौट आती है। पृथ्वी पर पहुंचने वाले सौर विकिरण लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी पर पहुंचते हैं। और समताप रेखाएं क्या होती हैं, तो ये वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो कि समान तापमान वाले स्थानों को मिलाती हैं। किसी स्थान से औसत तापमान और उसके अक्षांश में औसत तापमान के अंतर को तापमान विसंगति यानी थर्मल एनोमलिटी कहा जाता है।
मतलब ये तापमान के अंतर को या तापमान के एक असामान्य अंतर को दर्शाता है। उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग के अधिक विस्तार होने की वजह से अधिकतम तापमान विसंगति पाई जाती है, माने तापांतर ज़्यादा होता है, क्योंकि जमीन का जो हिस्सा है वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है, पानी उसकी तुलना में देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। तो जो उत्तरी गोलार्ध है वहाँ जमीन की तादाद ज़्यादा है, इसी वजह से यहाँ तापांतर अधिक होता है, ताप विसंगति ज़्यादा होती है। दक्षिणी गोलार्ध में पानी की राशि ज़्यादा है, तो इस वजह से जलराशि अधिक होने की वजह से वहाँ ताप विसंगति इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं पाई जाती। नेक्स्ट, जलवाष्प सूर्य से आने वाले सूर्यातप के कुछ अंश को सोख लेता है यानी अवशोषित कर लेता है और पृथ्वी द्वारा विकृत ऊष्मा को सजोए रहता है। पृथ्वी द्वारा जो ऊष्मा का विकिरण किया जाता है उसको अपने अंदर स्टोर करके रखता है, यह एक ब्लैंकेट की तरह से काम करता है और इस ब्लैंकेट की चर्चा हमने पिछले वीडियो में की है ग्रीन हाउस ब्लैंकेट के तौर पर। जलवाष्प भी क्या है, ग्रीन हाउस गैस के तौर पर ही देखा जाता है। क्षोभ मंडल यानी जो ट्रोपोस्फियर हमारा है वो वायुमंडल की सबसे नीचे की और सघन परत होती है। वायुमंडल के संपूर्ण भार का 75% तो इसी में पाया जाता है। संवहन मंडल भी इसको कहा जाता है। जलवायविक गतिविधियां जितनी भी हैं, मौसम संबंधी घटनाएं हैं, बादलों का निर्माण, तूफान, चक्रवात, वो सब कुछ क्षोभ मंडल में ही होता है। पौधे जीव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक और अजैविक संगठकों के मध्य एक इंटरमीडिएटरी का काम करते हैं, यानी ये बिचौलिए होते हैं, दोनों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। पौधे क्या करते हैं, जो सौर ऊर्जा है और भूमि से जितने भी घटक हैं उनसे पोषण प्राप्त करते हैं और इस पोषण को वो शाकाहारी जीवों तक पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार से एनर्जी ट्रांसफर हुआ और बीच में जो यहाँ माध्यम है वो कौन है, हरे पौधे, फिर शाकाहारियों से ये आगे खाद्य श्रृंखला में जो अन्य जीव हैं वहाँ तक पहुँचता जाता है। नेक्स्ट, वे जातियाँ जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैवभार की अल्पता के बावजूद सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती हैं उन्हें कीस्लोन प्रजातियाँ कहा जाता है। कोर प्रभाव क्या होता है, ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, जैसे कीस्टोन प्रजातियाँ, इन्हें ध्यान दीजिएगा। कोर प्रभाव यानी एज इफेक्ट के कारण ही दो पारितंत्रों को एक स्थान पे मिलता हुआ देखा जाता है, तो उनका जो मिलन स्थल है वहाँ पे बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है, मतलब इतनी ज़्यादा विविधता पाई जाती है जितनी कि उन दोनों पारितंत्रों में अलग अलग भी देखा जाए तो नहीं पाई जाएगी, दोनों की तुलना में कहीं ज़्यादा। वनस्पति समुदाय की अंतिम प्रावस्था को सेरे या चरम समुदाय कहा जाता है। चरम अनुक्रम जलवायु चरम या चरम वनस्पति के तौर पर भी जाना जाता है। चरम वनस्पति या सेरे प्रौढ़ पारिस्थितिकी तंत्र जो है ये मैच्योर इकोसिस्टम का द्योतक होता है। यहाँ पर जाकर इकोसिस्टम जो है वो पूरी तरह से मैच्योरिटी को प्राप्त कर लेता है और इसके बाद इसमें डिक्लाइनेशन ही होता है, कोई भी प्रोग्रेस नहीं होती, क्योंकि हर चीज़ के विकास की एक अवस्था होती है, चाहे वो नगरीय विकास हो, मनुष्य का विकास हो, या पर्यावरण का या प्राकृतिक विकास हो। अगर वो अपने शीर्ष पर पहुंच गया है तो उसके बाद वो ढलान की ओर ही उतरेगा, उसमें और ज़्यादा विकसित होने की जो स्थितियाँ हैं वो नहीं देखी जाएंगी। अब सामान्य से 15 से 20 गुना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी ये प्रकाश संश्लेषण की दर को घटा देती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक प्रभावी तरीके से नारंगी, लाल और बैंगनी तथा नीले प्रकाश के अंदर होती है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ है। लाइकेन्स वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक होता है और वायु में जब सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है तो लाइकेन्स मरने लगते हैं, इनकी डेथ होने लगती है। एल्बिडो प्रभाव क्या है, तो ये प्रातःकाल और देर संध्या काल जो होता है, मतलब लेट जो इवनिंग होती है, उसमें काफ़ी बड़े पैमाने पर देखा जाता है एल्बिडो इफेक्ट। विश्व का वह भाग जो कि मानव अधिवास के लिए उपयुक्त तो होता है उसको एक्यूमेन कहा जाता है, जो कि भाग, मतलब ये जो हिस्सा है एक्यूमेन, ये मानव अधिवास के लिए अनुपयुक्त हो, माफ कीजिएगा, जो हिस्सा मानव अधिवास के लिए उपयुक्त होता है या मानव अधिवास के लिए उपयोगी होता है उसको एक्यूमेन कहा जाता है, और जो नन एक्यूमेन है वहाँ पर मनुष्य नहीं रह सकते, वहाँ जो दशाएँ हैं वो इनके अनुकूल नहीं होती। नाइट्रोजन प्रोटीन के निर्माण और उसके संश्लेषण में सहायक होता है। फास्फोरस जीवों में, यहाँ देखिए, फास्फोरस जीवों में कोशिका द्रव्य का निर्माण करता है तथा जीवों की विभिन्न कोशिकाओं से ऊर्जा के स्थानांतरण और गमन में सहायक होता है। सल्फर जीवों में अमीनो एसिड का निर्माण करता है जो प्रोटीन के निर्माण में सहायक होते हैं। कैल्शियम जीवों की कोशिकाओं की दीवारों को दृढ़ बनाता है और मैग्नीशियम क्लोरोफिल का उत्पादन करता है। तो हर तत्व का अपना एक महत्व है, उसे जानने की आवश्यकता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कुछ विशेष प्रकार के जीवाणुओं द्वारा किया जाता है और दलहनी फसलों की जड़ों में ये पाए जाते हैं, जड़ों और गांठों में उपस्थित होते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, नीलहरित शैवाल तथा क्लॉस्ट्रिड्रियम जैसे जीवाणुओं के द्वारा या जीवों के द्वारा किया जाता है। जब पौधे और जंतुओं की मृत्यु हो जाती है, यहाँ आप देख रहे हैं पौधे और जंतुओं की मृत्यु हो जाती है, तब अपघटक इनका विघटन करके कैल्शियम को वातावरण में रिलीज कर देते हैं, कैल्शियम यहाँ से वातावरण में मुक्त हो जाता है। भारत की वन नीति 1952 की जो थी उसके हिसाब से देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% हिस्सा वनाच्छादित होना चाहिए, जिसमें कि मैदानी भाग 20% और पर्वतीय क्षेत्र जो है वो 60% तक वनाच्छादित होना चाहिए। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय उत्तराखंड के देहरादून में है और इसका कार्य देश के, चूंकि ये वन सर्वेक्षण का मुख्यालय है तो देश के वन क्षेत्रों और वन संसाधनों से संबंधित सूचना और आंकड़े इकट्ठा करना, ये इसका मेन पर्पज़ है।
भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित सुंदरवन वनस्पति क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा कच्छ वनस्पति क्षेत्र है और विश्व के बाघों की कुल संख्या का 60% अकेले यहाँ पर निवास करता है और वो भी इनका प्राकृतिक निवास है, मतलब इनका नेचुरल हैबिटेट है। ये रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ, ऐसा नहीं है कि बाहर से कहीं से लाए गए, पहले से यहाँ रह रहे थे और ये एकमात्र ऐसा आवास है बाघों का, नहीं तो बाघ ऐसी जगहों पर नहीं पाए जाते। पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन मैंग्रोव वनस्पति देश के कुल मैंग्रोव वनस्पति का 50% अपने में ही ढकती है, मतलब 50% हिस्सा तो यहीं से कवर होता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह मैंग्रोव वन सदापर्णी और पर्णपाती वन तीनों का संयोजन। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उसके अलग अलग हिस्सों पर, कुछ हिस्से पर मैंग्रोव पाए जाते हैं, कुछ पर सदापर्णी यानी सदाबहार वन भी पाए जाते हैं और पर्णपाती वन भी कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है अगर उसकी स्थिति को हम देखें तो भारत की मुख्य भूमि की तुलना में वो भूमध्य रेखा के ज़्यादा नज़दीक, उसे ध्यान से देखिएगा ठीक है। तो भूमध्य रेखा के ज़्यादा नज़दीक होने की वजह से जो इक्वेटर के आसपास रहने वाली दशाएं हैं वो वहाँ पर ज़्यादा अच्छे तरीके से महसूस की जा सकती है, इसीलिए उसके कुछ हिस्सों में सदाबहार वन भी पाए जाते हैं। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा क्योटो प्रोटोकॉल से ही उत्पन्न होकर सामने आई है और किसी क्षेत्र के पेड़ों को उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस, वो भी हर वनस्पति के लिए नहीं, कुछ वनस्पतियों के लिए। वन को हरा सोना कहा जाता है, ये सोने से भी ज़्यादा मूल्यवान है। पृथ्वी का 8% हिस्सा उष्णकटिबंधीय चिरहरित वन से आच्छादित है, मतलब सदाबहार वनों से तात्पर्य है, लेकिन इन वनों में पृथ्वी के आधे से अधिक जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं और ये संख्या कम हो गई है, मतलब ये जो 8% आप देख रहे हैं ना ये घटते घटते अब बचा है और ये भी सिर्फ किताबी रिकॉर्ड है, रियल जो फैक्टर है उसके हिसाब से देखा जाए तो ये 5% भी नहीं बचा है। जंगल में लगने वाली आग और जिस तरह से वनों का उन्मूलन हो रहा है उसको अगर देखा जाए तो 5% भी अभी सुरक्षित नहीं बचा है और जीवों की भी बड़ी पैमाने पर जो प्रजातियां हैं वो नष्ट हो रही। सवाना बायोम विश्वतीय और मरुस्थलीय प्रदेश के बीच का संक्रमण स्थल है। विश्वतीय क्षेत्र और मरुस्थलीय प्रदेश के बीच में पाए जाते हैं सवाना बायोम। सवाना बायोम में 3 प्रकार की कृषि होती है, एक तो झूम कृषि होती है जो कि पर्यावरण की शत्रु है, उसके अलावा पशुचारण होता है और स्थायी कृषि भी होती है। टुंड्रा बायोम जो है ये 10 डिग्री समताप रेखा से टैगा वन प्रदेश से अलग हो जाता है। टैगा से टुंड्रा कैसे अलग होता है, 10 डिग्री जो यहाँ पे समताप रेखा है वहाँ से अलग होता है। सवाना प्रदेश बड़े बड़े शिकारों की भूमि यानी लैंड ऑफ बिग गेम और बिग गेम कंट्री के तौर पे विख्यात है। उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश को सतत दुर्गमताओं का प्रदेश कहा जाता है, रीजन ऑफ एवरलास्टिंग डिफिकल्टीज ये कहा जाता है उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश को, क्योंकि यहाँ जीवन के लिए अनुकूल दशाएं नहीं पाई जाती, फिर भी यहाँ जीव और जो वनस्पतियाँ हैं वो सर्वाइव कर लेते हैं। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से पश्चिमी घाट सबसे ज़्यादा समृद्ध है। भूमध्य सागरीय प्रदेश रसदार फलों यानी साइट्रस फ्रूट जो होते हैं, ये खट्टे फल भी होते हैं जैसे कि अंगूर, नींबू, संतरे, शहतूत, नाशपाती, अनार इत्यादि के लिए प्रसिद्ध है। और कृषि विकास की तीव्र गति से या उसको ध्यान में रखते हुए जो घास क्षेत्र बायोम है इसको भविष्य का भंडार कहा जा सकता है, क्योंकि जंगल तो हम उगा नहीं पा रहे हैं, घास ही सही। मध्य अक्षांश घास स्थल को ब्रेड बास्केट कहा जाता है यानी रोटी की टोकरी कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है, यहाँ आप देख रहे हैं, और एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकी पदछाप यानी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका में अमेजन बेसिन के द्वारा सवाना बायोम 2 भागों में बांट दिया गया है, एक तो उत्तरी भाग है जिसे कि लॉनोस कहा जाता है और जो दक्षिणी भाग है उसे कंपोस कहा जाता है। कंपास भी कहीं कहीं लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, तो ये प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है। विशिष्ट जलवायु और वनस्पति वाले समुदाय का मिश्रण जीवोम कहलाता है। ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। 1972 में संयुक्त राष्ट्र के स्टॉकहोम जो कन्वेंशन हुआ था ये स्वीडन में हुआ था असल में, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP का यहीं पर जन्म होता है और प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस को आयोजित करने का फैसला लिया जाता है। प्राथमिक वायु प्रदूषक कौन कौन से हैं, तो इसमें प्राथमिक वायु प्रदूषकों में कणकीय पदार्थों को पहले देखेंगे, कालिक, धुआं, धूल, एस्बेस्टस, कीटनाशक ये सब इसमें आते हैं। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये सब प्राथमिक वायु प्रदूषक में देखे जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस की प्रमुख गैस है जो कि मीथेन और ओजोन तथा जलवाष्पों के साथ मिलकर अवरक्त विकिरणों को सोख लेती है और वायुमंडलीय ताप को बढ़ा देती है, बढ़ाने का काम करती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से समताप मंडलीय ओजोन की मात्रा में कमी होती है और पौधों के परागकण तथा बीजाणु यानी बीजाणु जो होते हैं ये लोगों में एलर्जी भी पैदा कर सकते हैं। हालांकि सारे परागकण जो है वो एलर्जी सूचक नहीं होते हैं, उससे ज़्यादा तो प्रदूषण एलर्जी फैलाता है, लेकिन कुछ ऐसे परागकण जरूर होते हैं जो कि एलर्जी का कारक बन जाते हैं। अब यहाँ सिंदूर की बात की जा रही है, सिंदूर में शीशे के ऑक्साइड और कुमकुम में पारे का सल्फाइड पाया जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल धड़ल्ले से होता है। पारे से विकृति क्या होती है, तो अंग सुन्न पड़ जाते हैं, निगाहें जो है वो धुंधली पड़ जाती हैं, मतलब देखने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है। शीशे से मानसिक भ्रम और पागलपन के लक्षण और फिर मृत्यु भी हो सकती है ज़्यादा मात्रा हो जाए तो। पारे की विषाक्तता से मिनीमाटा रोग हो जाता है और इसकी वजह से अपंगता और मृत्यु ये दोनों ही हो सकती है।
ताजमहल का संगमरमर जो पीला पड़ रहा है उसके पीछे अम्ल वर्षा उत्तरदायी है, ये हमने पिछले वाले वीडियो में भी कवर किया था। फ्लाई एश जो है ये जलीय वनस्पतियों के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में बाधा डालती है, उनकी जो सतह है उस पर जम जाती है तो वो प्रकाश संश्लेषण ठीक प्रकार से नहीं कर पाते और खाद्य श्रृंखला पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ठीक यही काम हमारे स्थलीय पारितंत्र में धूल करती है, फ्लाई एश यहाँ भी करती है। जो बारीक राख के कण या धूल के कण होते हैं वो पौधों की पत्तियों पर जम जाते हैं तो पत्ते ढंग से श्वसन नहीं कर पाते। जो पौधे की पत्तियाँ हैं उनके रंध्रों के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया और जो प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस है वो ठीक ढंग से नहीं हो पाता है, तो ये बीमार अवस्था में चले जाते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि जैव CNG बायोगैस का शुद्धतम रूप है, इसे आप देख रहे हैं, जिससे कि वो सभी अशुद्धियों को दूर करने के पश्चात 93% मीथेन गैस के रूप में प्राप्त होता है अशुद्धियाँ निकालने के बाद। महाराष्ट्र के पुणे में भारत का पहला जैव CNG ईंधन संयंत्र स्थापित किया गया था और बायोगैस का जो औसत संगठन है उसे अगर देखा जाए तो मीथेन इसमें 55% है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 35% है, हाइड्रोजन जो है वो 7.5% है, नाइट्रोजन 2.4% है, थोड़ी मात्रा में पानी और अन्य गैसें इसमें पाए जाते हैं। CNG की बात करें तो CNG में मीथेन सबसे ज़्यादा होता है, मतलब 80-90%, और लिक्विड पेट्रोलियम गैस में प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होती है। भारत में उपलब्ध LPG में ब्यूटेन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, भारत में जो हम लोग लिक्विड पेट्रोलियम गैस यूज़ करते हैं उसमें ब्यूटेन सर्वाधिक पाया जाता है। प्राकृतिक गैस में 85% मीथेन होता है, 10% ईथेन होता है और बाकी प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और एल्केन्स के जो और प्रकार हैं वो इसमें पाए जाते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि LPG में अप्रिय गंध वाला जो पदार्थ है, ऐसा नहीं है कि जो ब्यूटेन पाई जाती है वो गंदी महकती है, उसमें जो खराब महक हमें पता लगती है वो असल में एथाइल मरकैप्टन होता है, जो कि C2H5SH के तौर पे हम देखते हैं केमिकल इसका फार्मूला। तो ये इसलिए मिलाया जाता है कि अगर गैस लीक होती है, चूँकि जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है वो गंधहीन होती है, रंगहीन और गंधहीन, तो पता कैसे चलेगा कि वो लीक हो रही है, और वो इतनी ज्वलनशील होती है कि जरा सा उसको चिंगारी काफ़ी है। तो ऐसे में लीकेज को पता लगाने के लिए या लीकेज को सही समय पर पहचानने के लिए उसमें ये पदार्थ मिलाया जाता है जो कि एथाइल मरकैप्टन होता है और इसकी गंध से हमें तुरंत पता लग जाता है। अब गैसोहॉल जो है ये गन्ने के रस से तैयार किया जाता है, ठीक है, ये आप देखिए। ज्वारीय ऊर्जा जहाँ से हम प्राप्त करते हैं वो संभावित क्षेत्र जहाँ पे समुद्र का ज्वार, मतलब समुद्र की तेज लहरें हमें प्राप्त होगी, तो कच्छ की खाड़ी है, खंभात की खाड़ी है, इसके अलावा पश्चिम बंगाल में जो सुंदरवन का डेल्टा और इसके अलावा दुर्गा दुआनी क्षेत्र है वहाँ से प्राप्त होता है। नदियों के जल की गुणवत्ता का निर्धारण जैविक ऑक्सीजन मांग यानी जो BOD है उसके जरिए और रासायनिक ऑक्सीजन मांग यानी COD और घुली हुई ऑक्सीजन यानी डिजॉल्व ऑक्सीजन तथा pH मान के आधार पर किया जाता है। pH मान से ये पता लगता है कि पानी किस प्रवृत्ति का है, क्षारीय है, अम्लीय है या कैसा है। अब इसके आगे देखते हैं तो जिस जल में जैविक अपशिष्टों का प्रदूषण होता है उसमें E. coli तथा कोली स्वरूप के जीवाणु ज़्यादा पाए जाते हैं, तो इनसे भी पहचान होती है कि जैविक अपशिष्ट ज़्यादा है या फिर कम है। सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा जैविक ऑक्सीजन की मांग कही जाती है और भारत में सर्वाधिक प्रदूषित नदी गुजरात की अमलाखेड़ी है तत्काल में वर्तमान की स्थिति। भूमिगत जल के प्रमुख प्रदूषित तत्व जो होते हैं वो आर्सेनिक और फ्लोराइड हैं। जमीन का जो पानी है हालांकि कई सारी इंप्योरिटीज से दूषित होता है लेकिन मूल रूप से ये जो आर्सेनिक और फ्लोराइड है उससे प्रभावित होता है। आर्सेनिक से सर्वाधिक प्रदूषित नदी जो है ये दामोदर नदी है झारखंड की, और धान की खेती तथा जुगाली करने वाले पशु जिसमें कि गाय, भैंस, बकरी, भेड़, हिरण भी आते हैं वो मीथेन गैस के अच्छे उत्सर्जक होते हैं। नेक्स्ट, जल में अजैविक और जैविक पोषक तत्वों के सांद्रण से यूट्रोफिकेशन यानी सुपोषण की घटना हो जाती है जो कि जल के लिए और जलीय वनस्पतियों के लिए नुकसानदेह होती है, जलीय जीवों के लिए तो और ज़्यादा नुकसानदेह होती है जो पानी के अंदर रहते हैं। यमुना का जो आगरा क्षेत्र है, मतलब आगरा वाला जो यमुना का क्षेत्र है ये कहना ज़्यादा सही रहेगा, वहाँ के जल को हरा सूप कहा जा सकता है क्योंकि वहाँ पर छोटे छोटे जो हरे हरे पौधे हैं इसकी वजह से यमुना नदी का पानी हरा हो गया। अब ये छोटे हरे पौधे आए कहाँ से, तो यहाँ भी यूट्रोफिकेशन आप भरपूर मात्रा में देख रहे हैं। जलीय सतह पर फैले हुए तेल को आयल सिल्क कहा जाता है और ये बहुत ही नुकसानदेह होता है। 1992 में जो रियो डी जेनेरियो में संपन्न पृथ्वी सम्मेलन था 22 मार्च को जल दिवस के रूप में वहीं पर मनाने का फैसला लिया गया था और 1993 में पहला जल दिवस मनाया भी गया था। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं बंजर स्थलाकृति को, तो चंबल नदी बेसिन क्षेत्रों में ये देखने के लिए मिलती है, बड़े बड़े बीहड़ों का निर्माण होता है। भारत में अवनालिका और बीहड़ अपरदन, ये जो अवनालिका अपरदन है, बीहड़ अपरदन भी इसको कहते हैं, तो ये जो इरोजन का एक प्रकार है इसमें मिट्टियों का क्षय सर्वाधिक होता है, मतलब मृदा अपरदन इस प्रकार से सबसे ज़्यादा होता है। ध्वनि की तीव्रता को प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में वाट सिकाई यानी यहाँ पे आप इसका मात्रक देख रहे हैं, इसमें नापा जाता है और डेसिबल जो है ये ध्वनि की तीव्रता की मापन की प्रचलित इकाई, बेल मात्र मापन की इकाई है लेकिन हम लोग नापते हैं डेसिबल में। समुद्र की गहराई मापने और सिग्नल देने में पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। आवासीय क्षेत्र में स्वीकार्य मानक ध्वनि तीव्रता 55 डेसिबल है और उससे कहीं ज़्यादा हमारे घर के अंदर ही होती है। प्लास्टिक पिगमेंट्स में कैडमियम जैसे भारी धातु ये कैंसर के कारक बनते हैं और रेडियोधर्मी प्रदूषण मापन की इकाई रोंजन होती है, ठीक है, रेडियोधर्मी प्रदूषण जो होता है उसको नापने के लिए हम रोंजन नाम की जो इकाई है उसका इस्तेमाल करते हैं। रोंजन कौन थे, तो ये
नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले वैज्ञानिक थे। भौतिक विज्ञान का प्रथम नोबेल पुरस्कार या पहला नोबेल पुरस्कार ही कह लीजिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, फिलहाल ये भौतिकी के प्रोफेसर थे, इनको दिया गया था। एक्स किरणों के ईजाद के लिए प्रोफेसर रॉन्जन को ये दिया गया था। इसके बाद आप देखें, सभी प्रकार के प्रदूषकों में सर्वाधिक खतरनाक प्रदूषक जो है या प्रदूषण, ये रेडियोधर्मी प्रदूषण है, तत्काल प्रभाव डालता है और दीर्घकालिक प्रभाव रहता है। बैकग्राउंड रेडिएशन को अवशोषित करने की क्षमता चावल, बैगन और बीन्स में ज़्यादा होती है, ये कुछ मात्रा तक या कुछ हद तक रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। कोबाल्ट रक्त तथा ऊतकों से अवशोषित होकर लिवर, हड्डियों और किडनियों को नुकसान पहुंचाता है। और भोपाल गैस त्रासदी में जो गैस इस्तेमाल हुई थी, मतलब यौगिक जो प्रयोग हुआ था, वो मिथाइल आइसोसाइनेट था, ये तो कई बार पूछा जा चुका है। वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ जाती है तो उसके कारण अम्ल वर्षा होती है। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड यही एसिड रेन के लिए उत्तरदायी होते हैं। जल प्रदूषण के स्तर को बताने वाला सर्वाधिक सामान्य सूचक जीवाणु जो है वो ईकोलाई होता है। जब इसकी मात्रा बढ़ती है तो मानना चाहिए कि प्रदूषण ज़्यादा हो गया। नाइट्रोजन की अधिकता का कारण सुपोषण होता है, जो खाद पानी है वो पानी तक पहुंच जाता है, मतलब जो सिंचित जल है उसके द्वारा जो उर्वरकीय अवसाद होते हैं या चीज़ें इस प्रकार की होती हैं वो पानी के अंदर पहुंच जाती हैं, और इस प्रकार से यूट्रोफिकेशन होता है। जैव ईंधन को प्राप्त करने का एक स्रोत रतनजोत होता है, जिसे कि जेट्रोफा भी कहा जाता है। NO2 और O3 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और इसके साथ साथ ओजोन तथा पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, इसके बीच में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आपस में रिएक्शन होता है और प्रकाश रासायनिक धूम्र का निर्माण होता है। अब गंगा नदी का पानी जो है वो प्रदूषित नहीं होता है, वर्षों तक लगातार अशुद्धियां मिलने के बावजूद ये जस का तस बना हुआ है, मतलब देखने में गंदा भले दिखाई दे लेकिन अगर रख दीजिए तो खराब नहीं होता। तो उसके पीछे रीजन क्या है? कोलीफार्म जीवाणुओं की उपस्थिति। सर्विस स्टेशन पर मोटर गाड़ी के प्रदूषण की जांच में सीसा और कार्बन के कण की मात्रा को मापा जाता है। हरित सूचकांक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा डेवलप किया गया था। नेक्स्ट, स्वीडन विश्व का पहला देश था जहां पर बायोगैस से रेलगाड़ी चलाई गई थी, मतलब पहली बार बायोगैस का इस्तेमाल ट्रेन के ऑपरेशन में किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईकोलाई बैक्टीरिया से जैव ईंधन बनाने में सफलता प्राप्त की है, और WG Rosen के द्वारा जैव विविधता शब्द जो है यानी बायोडाइवर्सिटी, उसको सबसे पहली बार 1995 में इस्तेमाल किया गया था। किसी समुदाय की आनुवंशिक विविधता मात्र कुछ जातियों के होने की तुलना में अधिक जातियां होने पर ज़्यादा होगी। जैव विविधता का मतलब क्या है? विविधता यानी जातिगत विविधता। अब यहाँ पर आप देखें कि एक समुदाय की जैव विविधता को हमने देख लिया, अब उष्णकटिबंधीय वर्षावन को देखा जाए तो यहाँ पर जैव विविधता सर्वाधिक होती है, इसलिए उसे इसका भंडार कहा जाता है। प्रवाल भित्तियों को समुद्र के वर्षावन के तौर पर भी देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी जैव विविधता अच्छी खासी होती है। सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है, सुंदरी के वृक्षों से ये बना हुआ है। भारत के दो स्थल जो है, मतलब दो रामसर स्थल या आर्द्रभूमि स्थल, वो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। एक तो राजस्थान का केवलादेव है और दूसरी मणिपुर की लोकटक झील है। एक और था इसके अलावा जो कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल भी हुआ और अपनी स्थिति को सुधार कर इससे बाहर भी हो गया, वो कौन सा स्थान है जरा बताइएगा। अब इसके बाद देखिए, वर्तमान दशक 2011 से 20 का जो है, मतलब 10 साल का जो फर्क है, इसको संयुक्त राष्ट्र ने जैव विविधता और मरुस्थलीकरण के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र मरुस्थल दशक के तौर पर घोषित किया है, डिकेड के तौर पर। और ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर अगर आप बढ़ चलें तो जैव विविधता में वृद्धि होती है, और पहाड़ों पर ऊंचे से नीचे की ओर बढ़ने पर यानी एल्टीट्यूड में, हाई एल्टीट्यूड से लोअर पार्ट जो है वहां की ओर बढ़ने पर जैव विविधता बढ़ती जाती है। किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित प्रजातियों की कुल संख्या को अल्फा विविधता कहा जाता है, और IUCN का मुख्यालय जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड के पास ग्लैंड में, ग्लैंड वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर है। नॉर्मन मायर्स ने स्वस्थानीय संरक्षण यानी इन सीटू जो कंजर्वेशन होता है उसके लिए क्षेत्रों की प्राथमिकता को नामित करने के लिए हॉटस्पॉट क्षेत्रों की संकल्पना को विकसित किया था, कि हॉटस्पॉट एरिया जो है उनको पहले यहाँ पर नॉमिनेट किया जाना चाहिए, 1988 की बात। और विश्व प्रकृति निधि यानी यहाँ पर WWF की बात हो रही है, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर प्रयास जो है वो 1950 के बाद वाले हैं, 1950 का जो बाद का हिस्सा है वहाँ से शुरू होते हैं, और ज़्यादातर तो 1960 के बाद से शुरू हुए, और ये बहुत लेट हो चुका है। विकास के लिए हमने हाथ पैर मारने पहले ही चालू कर दिए, और पर्यावरण को एक लंबे समय से हम दोहन कर रहे हैं और उसको बचाने का प्रयास बहुत लेट शुरू किया है, इसी वजह से अभी तक स्थितियाँ कंट्रोल में नहीं हुई बल्कि बिगड़ती जा रही हैं। साइट्स, इसे देखिए, तो साइट्स जो है ये विश्व का सबसे बड़ा वन्यजीव संरक्षण समझौता है, और IUCN ये 1969 से विलुप्त प्राय, असुरक्षित और दुर्लभ जीवों तथा पौधों से संबंधित रेड डाटा बुक जारी करता है, उसमें इन जीवों को कैटेगराइज किया जाता है। किसी निश्चित स्थान पर ही संरक्षण के उपायों को या उपायों का जोर जो है इसको स्वस्थानीय उपाय कहा जाता है, और ये अच्छा तरीका है, मतलब जहाँ का जीव रहने वाला है, मूल वासिंदा है, वहीं पर उसे कंजर्व करके रखा जाए। और इसके अलावा जो बाह्य स्थानीय संरक्षण होता है, मतलब एक्स सीटू कंजर्वेशन होता है, उसमें जो जीव प्रजाति है उसको उसकी लोकेलिटी से निकालकर एक खास जगह पे प्रिजर्व करते हैं। ऐसा तब करते हैं जब उसका हैबिटेट उसके रहने लायक ना हो। इसके बाद आप देखिए, भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र ये 1986 में नीलगिरी में स्थापित किया गया था, और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय, दोनों का मुख्यालय कोलकाता में है।
चेन्नई में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को स्टैब्लिश किया गया है और फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। प्रत्येक वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसका निर्णय नैरोबी सम्मेलन में लिया गया था। सबसे पहले 1935 में हेली नेशनल पार्क या हेली नेशनल पार्क इसको कहा जाता है, इसको स्टैब्लिश किया गया था। बाद में इसका नाम जिम कार्बेट रख दिया गया, मतलब जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और अभी भी इसके नाम को बदलने की यहाँ पर बात चल रही है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान या इस तरह के और भी नाम रखने की जो पहल है वो चल रही है, क्योंकि जिम कार्बेट एक शिकारी थे हैसियत के तौर पर। इसके बाद आप देखें आगे तो राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना ही 1982 में जारी किया गया था। सिक्योर हिमालयन प्रोजेक्ट जो है ये चार हिमालयी राज्यों जिसमें कि जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है और सिक्किम है, यहाँ पर शुरू किया गया था। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में गैंडा परियोजना चलाई गई थी और विश्व धरोहर सूची में केवला देवखाना जो बर्ड सेंचुरी है वहाँ पर साइबेरियन मतलब उस चीज़ को विश्व धरोहर सूची में डाला गया है। ये साइबेरियन सारस के लिए जाना जाता है जो कि यहाँ पर प्रवास करने के लिए आता है। वर्ल्ड वाइल्ड फंड का प्रतीक एक जाइंट पांडा है, मतलब पांडा का उसमें जो लोगो है वो बना हुआ है। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य जंतु जो है वो एक सींग वाला गैंडा है, यहाँ की विशेषता है असल में। बाकी तो हाथियों का भी प्रिजर्वेशन मतलब कंजर्वेशन यहाँ पे किया जाता है, बाकी जीव प्रजातियाँ भी हैं। और बाढ़ से ये जब सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं, हालांकि बाढ़ यहाँ की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और वो यहाँ के क्षेत्र को जीवनदान भी देती है, यहाँ के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उन्हें बहा ले जाती है, ज़मीन को नया जीवन देती है, लेकिन जब एक हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो ये जीवों के लिए संकट बन जाती है। दो फॉसिल पार्क जो हैं ये राजस्थान और मध्य प्रदेश में। असम का मानस राष्ट्रीय उद्यान ये सर्वाधिक संकटग्रस्त प्रजातियों से युक्त है। मणिपुर का केम्बुल लेमजाओ नेशनल पार्क जो है ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है और यहाँ पर जो फुंडी नाम की सड़ी हुई घास का गद्दीदार धरातल पाया जाता है, इसको ये फुंडी के नाम से जाना जाता है। इसमें शंघाई नाम का डांसिंग डियर पाया जाता है। डांसिंग डियर उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इस गुजगुजी ज़मीन पर वो चलता है तो ऐसा लगता है कि डांस कर रहा है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि केरल और तमिलनाडु में फैला हुआ अन्नामलाई क्षेत्र जिसे कि एलिफेंटा पर्वत के नाम से जाना जाता है, यहाँ के जीव शरण स्थल में शोला वन जो है ये जैव विविधता को काफ़ी हद तक संरक्षित करते हैं और इसमें जो शांत घाटी है, टॉप स्लिप है और पेरशिम्बलर सेलम है, ये सब इसमें शामिल है। अब यहाँ पर आप देखिए कि राष्ट्रीय बाघ परियोजना की शुरुआत उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से की गई थी और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है, सर्वाधिक बाघ यहीं पर पाए जाते हैं। सबसे अधिक बाघों के लिए सुंदरवन विख्यात है, तादाद के हिसाब से देखा जाए तो मध्य प्रदेश, और बाघों की जो मात्रा है उसके हिसाब से यहाँ पर सुंदरवन ये प्रसिद्ध है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र नागार्जुन सागर श्रीशैलम है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, और सफ़ेद बाघ कहाँ पर पाए जाते हैं तो ये नंदन कानन है उड़ीसा का, यहाँ पर इनकी जो जनसंख्या है वो मिलती है। बाघ संरक्षण का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में और दूसरा सम्मेलन 2012 में भूटान के थिम्पू में, तीसरा सम्मेलन 2016 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तीनों सम्मेलनों को आपने देखा। नेक्स्ट, उभयचर पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होते हैं, एम्फीबियंस की बात हो रही है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क ये लखनऊ में स्थित है और पृथ्वी का औसत वार्षिक तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है। नगरीकरण के कारण सतह का एल्बिडो कम हो जाता है और नगरीकरण के कारण जो नगर हैं उनके मध्य में जो हीट आइलैंड है वो निचले वायुमंडल में प्रदूषण गुंबद का निर्माण करते हैं, यानी पॉल्यूशन डोम बनाते हैं। काला कार्बन यानी ब्लैक कार्बन एक गैस नहीं होकर बल्कि ठोस कण या एरोसॉल होता है, इसे आप देखें, और इसे सामान्य रूप से कालिख यानी सूट के तौर पे जाना जाता है। भूरा कार्बन यानी ब्राउन कार्बन को देखें तो ये एक प्रकार का एरोसॉल है जो कि प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि ऋणात्मक ताप पतन दर यानी नेगेटिव लैप्स रेट के तौर पे जानी जाती है, तापमान का इसे प्रतिलोमन भी कहते हैं। ये चीज़ें हमने सतत विकास लक्ष्यों पर एक निगाह डाल लेते हैं तो सतत विकास रिपोर्ट 2021 ये लक्ष्यों के लिए कार्यवाही का दशक छठवां संस्करण के तौर पर जारी हुई थी और इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा इसको जारी किया गया था। टॉप थ्री कंट्रीज कौन कौन सी है तो फिनलैंड जो है ये 85.9 के स्कोर के साथ 100 में स्कोर होता है, ये टॉप पे है। सेकंड पे स्वीडन है और थर्ड पे डेनमार्क 84.86 के स्कोर के साथ। स्कोर से ज़्यादा यहाँ पर पोजीशन इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भारत की जो पोजीशन है वो 165 देशों में से मात्र 60.07 के स्कोर के साथ 120वीं पर है। भारत का स्लिप ओवर स्कोर जो है वो इसमें 100 में से 98.90 है। इस प्रकार से हमने देखा स्लिप ओवर रैंक की अगर बात करें तो 32 है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और आइवरी कोस्ट तीन अलग अलग देश हैं जिन्होंने कि अपने इस क्षेत्र में सबसे अधिक प्रगति की। नीति आयोग के द्वारा जारी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स है उसको 2018 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय तथा संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट के सहयोग से डेवलप किया गया था और इसका दूसरा संस्करण 30 दिसंबर 2019 को जारी किया गया था। मध्य अफ्रीकी गणराज्य ये अंतिम रैंक पे है, चाड और दक्षिणी सूडान SDG में सबसे अंतिम स्थान पर देखे जाते हैं। तो सबसे लास्ट पे कौन है, सबसे टॉप पे कौन है और अपने देश की क्या स्थिति है, ये तीन चीज़ें आपको कम से कम पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप देखें कि SDG इंडिया इंडेक्स क्या है और डैशबोर्ड इसका कैसा है। तो नीति आयोग के द्वारा इसको जारी किया गया था और डैशबोर्ड इसकी अगर बात करें 2021 के तो पार्टनरशिप इन द डिकेड ऑफ एक्शन
ये टॉपिक था इस रिपोर्ट का। 3 जून 2021 को इसको जारी किया गया था। थर्ड एडिशन में 16 लक्ष्य, 115 मात्रात्मक संकेतक और 70 SDG प्रयोजन शामिल किए गए थे। 17 लक्ष्यों पर एक गुणात्मक मूल्यांकन किया गया था। और स्कोर की अगर बात करें तो आकांक्षी 0 से 49 ये परफार्मर का था, फिर 50 से 64 जो था ये फ्रंट रनर का था, फिर इसके बाद अचीवर का जो था वो 65 से, यहाँ आप देख रहे हैं ये 65 से, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है इसे ध्यान दीजिएगा। आकांक्षी का जो था वो 0 से 49 था, मतलब 0 से 49 था। परफार्मर का 50 से 64 था, इसे आप देख रहे हैं। फ्रंट रनर का 65 से 99 था और अचीवर का 100, ठीक है। अचीवर वाला जो इसमें रैंक था उसमें 100 था। राज्यों की रैंकिंग में अगर बात करें तो केरल हमेशा की तरह पहले स्थान पर, हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर, तमिलनाडु तीसरे पर, उसके बाद आंध्र, फिर गोवा, और उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो 25वां था, असम का 26वां, झारखंड का 27वां और बिहार का सबसे अंतिम यानी 28वां। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ जो था ये सबसे पहले स्थान पे था और सबसे अंतिम स्थान पे दमन दीव और दादरा नगर हवेली ये आते हैं। तो ये हमने देखा। नेक्स्ट, मिजोरम, हरियाणा और उत्तराखंड 2020-21 में सबसे अधिक उन्नति प्राप्त करने वाले देश के हिस्से हैं, मतलब राज्य हैं, यहाँ कहना ज़्यादा सही रहेगा। और उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मिजोरम, पंजाब, हरियाणा, त्रिपुरा, दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, इन्होंने फ्रंट रनर दोनों ही सहित मतलब 65 से लेकर 99 बीच के का जो स्कोर है उसमें अपनी श्रेणी में उपाधि दर्ज की थी। तो इस प्रकार से हमने कुछ फुटकर यहाँ पर डाटा कवर किया है। और इस लेक्चर में इतना ही, और तब तक के लिए नमस्कार।